हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राजू कुमार। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। अपने टॉपिक पर आऊंगा, मैं पहले बता दूं आपको कि अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वाला बटन को दबा दीजिएगा, और होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा। उससे मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेट होते हैं आप लोग के लिए अच्छा अच्छा कॉन्टिनेंट को लेके आने के लिए, आप लोग को प्रोवाइड करे, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा ना। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक वा के ऊपर, मतलब आज का टॉपिक है क्या, चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, इसका जो मतलब यह सत्याग्रह, यह पहला सत्याग्रह था जो बिहार के चंपारण जिला से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे सरकार को झुकना पड़ता है और किसान को मुआवजा देना पड़ता है। यह दोस्तों, इसकी शुरुआत ऐसी थी कि जब जिस टाइम मतलब कि अंग्रेज लोग इंडिया आए थे व्यापार करने के पर्पज से, उस टाइम मतलब कि किसानों से एक मतलब एग्रीमेंट करवा के, मतलब कि नील की खेती के लिए, ये चंपारण सत्याग्रह नील की खेती की समस्या दोस्तों जुड़ी हुई थी। कि उस टाइम वो लोग थे, ब्रिटिश सरकार जो थे, इन लोग से नील की मांग कर रही थी, नील की उपज कराने की मांग कर रही थी, लेकिन ये लोग तैयार नहीं थे। क्योंकि दोस्तों, नील की खेती करने से जमीन बंजर हो जाती है, उसकी उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है और काफी मेहनत लगता है, सिंचाई में भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो उससे कोई प्रॉफिट था नहीं, लेकिन वहां की सरकार काफी मतलब यहाँ के जो किसान थे उनको लालच लोभ दे करके, मतलब कि एक बहुत तरीका का मतलब उन्होंने प्रलोभन दिया कि एडवांस में पैसा दिया जाएगा, आपके फसल उगने से पहले कुछ पैसा पे कर दिया जाएगा और अच्छा कीमत में आपसे लिया जाएगा। तो किसान जो थे, किसान वर्ग थे, वो मान गए और मान भी गए दोस्तों। एक उन लोगों के बीच में संधि हुआ था, तीन कठिया शब्द सुनते हैं दोस्तों, ये तीन कट मतलब कि तीन कठिया मतलब तीन कट्ठा, मतलब कि अगर 1 बीघा जमीन था तो मतलब 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, मतलब 20 कट्ठा में एक एक बीघा जमीन को कहते हैं 20 कट्ठा, और 20 कट्ठा में है ना, 3 कट्ठा खेती पे बोला गया था कि 3 कट्ठा आप हमको दे दीजिए नील उपजा करके, नील की खेती कीजिए और जो बचता हमको दीजिए, और 17 कट्ठा जो बचता है आपके पास वो आपकी मर्जी है, आप अपने इच्छा से जो चाहे उपजा सकते हैं। इसको इसलिए 3 कट्ठिया दोस्तों कहा गया है कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा, तीसरा भाग, 20 का 3रवां भाग हमको दे दीजिए, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती हमको उपजा के दीजिए, 17 कट्ठा आप अपना उपजाइए। यही दोस्तों, यही तात्पर्य 3 कट्ठिया से, 3 कट्ठा में खेती मांगा था और किसान मान गए थे। ये एग्रीमेंट, ये संधि उन लोगों के बीच में हो गई थी, वो काफी अच्छी खासी चल रही थी, वो लोग भी उपजा के उसको टाइम टेबल दे रहे थे, वो लोग भी पैसा एकदम एडवांस पे करते थे और काफी अच्छे खासा मतलब कि उसके जो थे पैसा पे करते थे अंग्रेज लोग नील की खेती के लेने के लिए। तो किसान पे उतनी फर्क नहीं पड़ती थी क्योंकि उसको मतलब कि आय आता था अच्छा खासा। लेकिन दोस्तों, किसान की तकलीफें तब शुरू होती है जब जर्मन डाई, मतलब कि नील के तरह ही एक आर्टिफिशियल नील जर्मन डाई की आविष्कार हो जाती है 1915 ईस्वी में। तब तो उस टाइम मतलब कि मार्केट में उस टाइम इतनी तेजी से फैलती है जर्मन डाई कि नील जो खेती उपज होती थी उनकी मांग नेचुरल की कम और आर्टिफिशियल की ज्यादा होने लगी, जिस कारण से अंग्रेजों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। किसका? इंडियन जो पश्चिम चंपारण के जो किसान थे उनके जो नील की खेती करवाते थे उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, एडवांस पैसा देना नहीं चाहता था, नहीं जितना उसका पैसा बनता था वो पैसा भी देने से मुकर गया था। तो उस टाइम दोस्तों मतलब 1915-17 ईस्वी तक में अंग्रेज इतना ज्यादा मतलब अपना सत्ता जमा लिया था कि किसानों के ऊपर मतलब कि अत्याचार करने लगा, वो अपना मनमानी दिखाने लगा कि नहीं देंगे तो पैसा आप क्या कर लीजिए, गलत एक तरह से देखो तो लतियाने लगा, मतलब किसान का कोई वैल्यू ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिस सरकार सब ब्रिटिश के अधीन हो गए थे, तो उनका अधिकार तो अवश्य था कि भैया सरकार भी आपका है, कानून भी आपका, भी कलेक्टर ही भी आपका ही है, सब कुछ उन्हीं के हाथों में था। तो किसान बेचारा बेबस था, लाचार था, वो कुछ कर नहीं सकता था, अपना मनमानी अपने तरीका से करने लगा। क्योंकि जर्मन डाई काफी मार्केट में फैल चुकी थी, वो आर्टिफिशियल काफी बिक रही थी, तो इन लोगों को जबरदस्ती फिर भी उपजाने के लिए बोलता था क्योंकि वो लोग अदर कंट्री, यूरोप में जाकर के अदर कंट्री में बेचा करते थे और अच्छी खासी रकम उठाया करते थे, लेकिन यहाँ के किसान को लतियाई करते थे, यहाँ के किसान को मतलब अत्याचार क्या करते थे। ये अत्याचार का मतलब जब सहन से बर्दाश्त हो गया, लिमिट क्रॉस कर गया, तो किसानों में आक्रोश सा उठा और वो एक विस्फोटक रूप लेता है एक सत्याग्रह के रूप में। तो वो उसी के गांव चंपारण के एक छोटे से गांव से एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी बहुत सुनी थी, उसकी वकालत की पढ़ाई के बारे में कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाके दादा अब्दुल्ला के केस को सुलझाए थे, उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी उसको मिली थी। उसी टाइम उसको पता चला कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए हुए हैं और वहीं गांधी जी के द्वारा दोस्तों 1915 ईस्वी में साबरमती के किनारे, मतलब साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम, साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था, उसी आश्रम में वो अपने सहयोगी के साथ में रहते थे। तो राजकुमार शुक्ला वहां पहुंचे, साबरमती आश्रम पहुंचे और वहां आश्रम पहुंचने के बाद गांधी जी को अपना सारा दुखों का व्याख्या मतलब उसके सामने में रखे, सारा कैसे कैसे वहां के किसान पीड़ा सह रहे हैं, कितना
दुख से जिंदगी वो लोग जी रहे हैं, सभी किसान का मतलब कि दुखों का व्याख्या किए, और करने के बाद गांधी जी उसको समझाए आप चलिए मैं कुछ दिन बाद आ जाऊंगा, लेकिन राजकुमार शुक्ला वो नहीं माने, उनके मैं बोला कि मैं आपके साथ ही चलूंगा। उन्होंने कलकत्ता होते हुए बिहार पहुंचा। 10 जनवरी 1917 ईस्वी को बिहार के चंपारण जिला में गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और एक दो सहयोगी थे उनके साथ में चंपारण में पहुंचे। जो भी सहयोगी थे सभी वकालत की पढ़ाई किए हुए थे, उसको कानून की जानकारी थी। वो जब यहाँ आए तो चंपारण के जो किसान थे दोस्तों, सभी किसान को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद सभी का जो ब्योरा था, डाटा था, सभी का डाटा, बायोडाटा लिए, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास क्या, कितना फसल कौन उगाता है, कितना फसल उगाने में सक्षम है, कितना कितना राजस्व है, कितना किसका, कौन कितना टैक्स पे कर सकता है, सारा ब्योरा लेने के बाद सबका सिग्नेचर लेकर के एक तैयार करवाए। जब तैयार करवाए तो वहाँ के जो कलेक्टर थी, वहाँ जब उसको पता चला कि इस तरह की बातें चल रही है, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। मतलब कि बोला कि अशांति फैलाने के लिए आए भैया व्यक्ति, उसको गिरफ्तार करने के बाद 10 जनवरी को आया है, गिरफ्तार कर लेता है। 18 जनवरी 1917 ईस्वी को मोतिहारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है। पेश करने के बाद उनसे पूछा जब जाता है कि अपना मतलब कि डिफेंस के तरफ से कुछ बोलिए, तो उन्होंने अपने आप को दोषी सिद्ध मतलब स्वीकार कर लेता है, गांधी जी स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सुनते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होती है उस टाइम बिहार और उड़ीसा की, वो उसको मतलब कि बोलता है गिरफ्तारी से छोड़ देने के लिए, बोलता छोड़ दो ये, मतलब कि उसको अच्छा मतलब ऐसा क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन उसके बातों से इतनी भावुक हो गई उसको छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद गांधी जी वो तीन कठिया को बात को लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने रहता है, और वहां की जो कलेक्टर होती है वो मतलब कि इस पे जो काम चल रहा था उसको कंटिन्यू रखने का मतलब आज्ञा दे देता है, जारी कर देता है आदेश, ठीक है आप कंटिन्यू करेंगे। और तीन सदस्य की एक कमीशन मतलब कि एक सदस्य तीन को सदस्य की एक कमीशन की गठन की जाती है, एक कमेटी की गठन की जाती है तीन कठिया प्रणाली को लेकर के। उसमें एक स्वयं गांधी जी सदस्य होते हैं और दो अन्य होते हैं। तीनों ने मिलकर के फिर बिहार और उड़ीसा के लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एक्ट पारित करते हैं, और एक्ट के तहत में जारी होने के बाद पूरी सच्चाई घटना सामने आते हैं, और घटना को सामने करने के बाद एक्ट के बाद दोस्तों तीन कठिया प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर देती है, और किसानों की जो मुआवजा उतनी दिन की जो मुआवजा होती है वो मुआवजा भी सरकार को भरना पड़ता है, और किसान यह जो दुख में फंसी हुई थी, जो समस्या में उलझी हुई थी, वो इस समस्या से बाहर होता है। दोस्तों यही पूरे कहानी थी चंपारण सत्याग्रह की। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत सारे हैं तो गांधी जी का एक एक करके पढ़ेंगे, यहाँ से गांधी युग भी इसको कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेकिन।